गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हालचाल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इनक्वालिटीज़। ये 11th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसी के आधार पर हम लोग बहुत सारा काम करते हैं और 12th में एक लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे जिससे एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क का आता ही आता है, तो वो भी इसी पर बेस्ड है। अगर ये 11th का टॉपिक आपका स्ट्रांग रहेगा तो उस समय वो LPP जो टॉपिक है उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इनक्वालिटीज़। लीनियर इनक्वालिटीज़ में क्या होता है, दो टर्म है, एक है लीनियर और एक होता है इनक्वालिटीज़। इनक्वालिटीज़ में अगर देखें तो दो शब्द हैं। ये जो लीनियर होता है इसको बोलते हैं रैखिक, और रैखिक का मतलब होता है पावर का वन होना। रैखिक मीन्स पावर का वन होना। इनक्वालिटीज में दो चीज होता है, एक तो यहां से लेकर यहां तक ये समझिए इक्वालिटी है, इक्वालिटी को जो है हम लोग बोलते हैं समानता। इसके लिए चिन्ह कौन इस्तेमाल करेंगे, ये जो चिन्ह होता है ना इक्वल का, ये समानता का चिन्ह होता है। और इसके आगे क्या लग गया, इन। ये इन जो है वो अ से संबंधित है। ये जो इन होता है ये समझिए हो गया अ, इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये समझिए असमानता से संबंधित हो गया। अ मतलब होता है हिंदी में बोलते अ को नहीं, मतलब जो समान नहीं हो। तो समान नहीं हो इसका क्या मतलब हुआ, असमान होना। मतलब हुआ कि एक्स समान नहीं है 3 के, एक्स इक्वल नहीं है 3 के। तो एक्स इक्वल नहीं है 3 के, इसमें दो सेंस है। पहला सेंस होता है या तो एक्स लेस देन होगा 3 के, और दूसरा सेंस होता है या तो एक्स बड़ा होगा 3 से। इसको एक्स लेस देन 3 पढ़ना है, इसको पढ़ना है एक्स इज लेस देन 3, और इसको पढ़ना है एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक्स 3 से छोटा है और एक्स 3 से बड़ा है। डज नॉट इक्वल टू का ये दो मतलब होता है, छोटा और बड़ा, ठीक है ना। इसमें अगर कुछ चीज़ें हम लोग जान लें इस साइन से संबंधित, तो पहला चीज़ क्या होता है कि अगर लिखा हुआ है 3 बड़ा है 2 से, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि आप दोनों ही तरफ से इसको पढ़ सकते हैं। इधर से अगर पढ़िएगा लेफ्ट साइड से, अगर लेफ्ट साइड से इसको आप पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से इसको क्या पढ़ेंगे, 3 बड़ा है 2 से पढ़ेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 बड़ा है 2 से। लेकिन अगर इसको उधर से पढ़ेंगे, मान लीजिए 3 इस तरह से लिखा हुआ और आप चाहते हैं इधर से पढ़ें, इधर से पढ़ने का मतलब हो गया कि राइट साइड से अगर पढ़ना हो, राइट साइड से अगर इसको पढ़ना हो तो पढ़ेंगे 2 इज लेस देन 3। क्या पढ़ेंगे, 2 इज लेस देन 3, 2 छोटा है 3 से, ऐसे करके पढ़ना है। मतलब एक ही साइन को बदल के हम लिख सकते हैं, जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है 3 बड़ा है 2 से, तो इसको अगर आप पलट के लिखना चाहें 2 लेस देन 3, तो ये दोनों जो दोनों आप देख रहे हैं ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 3 बड़ा होगा 2 से तो ऑलमोस्ट 2 छोटा हो जाएगा 3 से। तो ऐसे करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब संख्या को पलटेंगे तो साइन पलट जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होता है, कहीं अगर एक्स का इस्तेमाल करेगा, जैसे एक्स लिखा हुआ इस तरीका से एक्स लेस देन 5, तो x एक तरफ x हो और एक तरफ कांस्टेंट संख्या है, एक तरफ x है एक तरफ कांस्टेंट संख्या है, तो हमेशा x के तरफ से पढ़ना है, वेरिएबल तरफ से आपको पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ना है, x इज लेस देन 5, क्योंकि x लेफ्ट तरफ था तो इधर से पढ़े। मान लेते हैं 6 इस तरह से आपको लिख दिया है, अब ये नहीं पढ़ना है 6 ग्रेटर देन x, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको 6 बड़ा है एक्स से नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स इज लेस देन 6। क्या पढ़ेंगे,
इसको पढ़ेंगे एक्स इज लेस देन सिक्स, एक्स छोटा है सिक्स से। तो ये कुछ बेसिक आपको टेक्निक ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटा या बड़ा का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसको नोट करिए। प्रॉपर्टीज ये होता है इसका, पहला प्रॉपर्टी कि मान लीजिए तीन बड़ा है दो से, तीन बड़ा है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर बाय मल्टीप्लाइंग माइनस वन, तो ये माइनस थ्री होगा और ये माइनस टू होगा, कौन बड़ा होगा? माइनस टू बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव में माइनस टू बड़ा हो जाता है माइनस थ्री से। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करेंगे, न कि मल्टीप्लाई बल्कि अगर डिवाइड भी करेंगे तो साइन बदल जाएगा। लिखेंगे कि हैंस इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो माइनस ए छोटा हो जाएगा माइनस बी से। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर ए बड़ा है बी से तो माइनस ए छोटा होगा माइनस बी से। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है कि माइनस टू एक्स बड़ा है चार से, क्या लिखा हुआ है माइनस टू एक्स बड़ा है चार से, आप x निकालेंगे तो माइनस टू को उधर लेके चले जाते हैं समीकरण के तरह। तो अगर आप लिखते हैं x ग्रेटर देन फोर अपॉन माइनस टू, इस माइनस टू को ले जाएंगे ना उधर, तो जैसे ही आप लिखिएगा इस तरह का स्टेप तो ये गलत हो जाएगा। ये इक्वेशन में चलता है कि अगर माइनस टू एक्स इजिकल टू फोर लिखा रहता तब ऐसे अगर लिखते तो सही था, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर लिखा हुआ रहेगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फोर तो x निकालेंगे तो क्या होगा फोर अपॉन माइनस टू, ये सही है, लेकिन यहां पर लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो यही हुआ कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप माइनस टू को उधर ले जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ माइनस टू से आप डिवाइड मार रहे हैं, इधर भी माइनस टू है, आप माइनस टू एक्स और ये फोर है, आप माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस टू को उधर ले जा रहे हैं, मतलब क्या माइनस टू से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ही माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो जो साइन है बड़ा का वो साइन क्या हो जाएगा छोटा का हो जाएगा। तो ये माइनस टू अगर कट जाए तो यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, और ये अगर माइनस टू से कट गया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस टू बचेगा। तो एक्स लेस देन माइनस टू यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर प्लस फाइव एक्स लेस देन जीरो लिखा हुआ, मान लीजिए फोर लेस देन माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स को ही उधर ले गए मान लीजिए, तो अब x चाहिए हमें, x चाहिए तो क्या करेंगे माइनस फाइव को इधर लेंगे, तो जो ही माइनस फाइव को इधर लेंगे फोर अपॉन माइनस फाइव, तो ये साइन क्या हो जाएगा लेस देन से ये ग्रेटर देन हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये माइनस फोर बाय फाइव ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो इसी को पलट के लिखना है कि x लेस देन फोर अपॉन फाइव, x लेस देन हमेशा x को बायां तरफ लिख करके आंसर को छोड़ना है कि x लेस देन किससे है या x ग्रेटर देन किससे है, ये आपको आंसर हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी अगर देखें, जैसे कि तीन बड़ा है दो से, तीन बड़ा है दो से, अगर इसके नीचे में हम कहें क्या है तो क्या बोलिएगा, इसके नीचे में वन है, इसके नीचे में क्या है वन है। अगर रेसिप्रोकल इसका लें, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल अगर लें, व्युत्क्रम अगर लें वन बाई थ्री और इधर वन बाई टू अगर कर दें, मतलब जो ऊपर है वो नीचे है, जो अंश में है जो वो हर में आ जाए और जो हर में है वो ऊपर चला जाए, न्यूमरेटर वाला पार्ट आ जाए डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में है वो चल जाए न्यूमरेटर में, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल लेना। तो इस तरह का स्टेप अगर लेते हैं तो ये साइन क्या होगा यहाँ भी बदल जाएगा, क्योंकि वन बाई टू बड़ा हो जाता है किससे वन बाई थ्री से। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि हैंस इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो वन अपॉन ए लेस देन वन अपॉन बी हो जाएगा।
ऐसा अगर होगा, अगर यहाँ ग्रेटर का साइन होगा तो यहाँ लेस हो जाएगा, यहाँ लेस होगा तो यहाँ ग्रेटर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रॉपर्टी अगर देखें, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो, एम स्क्वायर हो या और भी कोई हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। नेगेटिव, जैसे कि नेगेटिव का स्क्वायर आप करते हैं, माइनस टू का स्क्वायर होगा फोर, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। थ्री का स्क्वायर आप करेंगे, ये होगा नाइन, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि देयरफॉर इफ फाइव ग्रेटर देन टू, पाँच बड़ा है दो से, पाँच बड़ा है थ्री से, आप मल्टीप्लाई करिए, थ्री से गुणा करने पर, बाय मल्टीप्लाइंग थ्री, तीन से करेंगे तो ये होगा पंद्रह, फिफ्टीन, और तीन से करेंगे तो ये होगा छः, कौन बड़ा, पंद्रह बड़ा। तो क्या प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट पड़ा? पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटीज़ के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिखेंगे हेंस, अगर ए बड़ा है बी से, तो ए इंटू के स्क्वायर अगर करें, बी इंटू के स्क्वायर अगर करें, तो इस साइन पर कोई इफेक्ट, के स्क्वायर का मतलब हो गया किसी भी संख्या का स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका यूज कैसे करते हैं सो देखिए, एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा। कहीं लिखा हुआ है वन अपॉन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, कैसे लिखा हुआ है, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, कैसे सॉल्व करेंगे लोग क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, जो ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा गड़बड़ हो जाएगा। या तो आप इसको रेसिप्रोकल लेके बनाइए, रेसिप्रोकल लेके बनाइए, या फिर दूसरा क्या टेक्निक है कि जो नीचे में टर्म आप दिख आपको दिख रहा है उसके होल स्क्वायर से क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेना है। वन अपॉन एक्स माइनस थ्री अगर है तो एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, और इधर भी क्या करना है, एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल पार्ट अगर नीचे हो, कोशिश करिए ये टेक्निक अपनाएं, समझ रहे हैं ना, नीचे का जो फैक्टर है उसके होल स्क्वायर से क्या किए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ये जो टर्म है x माइनस थ्री इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस थ्री बच जाएगा, और अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें किसी में भी तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन हो जाएगा। x का मान तीन से बड़ा जब भी लेंगे इसमें डालेंगे तो ये आपको क्या होगा, पॉजिटिव देगा। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, जीरो से बड़ा मीन्स पॉजिटिव। तो तीन से बड़ी कोई भी संख्या इसमें डाल के देख लीजिए, ये लेफ्ट साइड आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे कि आंसर तो यहाँ आ गया आपका, जैसे कि थ्री से बड़ा फोर होता है ना, आप डालिए यहाँ पर नीचे में फोर, तो वन अपॉन फोर माइनस थ्री, तो वन अपॉन वन वन, वन पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ। फाइव डालते हैं इसी में, तो वन अपॉन फाइव माइनस थ्री, तो वन अपॉन टू, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, समझ रहे हैं ना। तो तीन से बड़ी सब जितनी भी संख्याएं इसमें डालेंगे तो ये सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे का जो फैक्टर होता है उससे क्या करते हैं, उसके स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नोट करिए, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना था। कुछ थोड़ा सा आपको हिंट्स कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में पहले थोड़ा सा हम हिंट्स कर दे रहे हैं सेट्स के बारे में। सेट्स को बोलते हैं समुच्च, क्या बोलते हैं, सेट को बोलते हैं समुच्च। समुच्च क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जो है इसी को सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। सुपरिभाषित करने का क्या मतलब हुआ कि क्या होगा इसमें आपको पता है,
जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, कहीं एन लिखा हुआ है, एन को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या। तो आपके दिमाग में ये फिक्स है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 में से ही कोई होगा इन्फिनिटी तक। फिक्स है आपके दिमाग में, ये सेट है कि इसमें -1 नहीं हो सकता है, है कि नहीं? -1 होगा इसमें, 1/5 होगा इसमें। फिक्स है दिमाग में 1, 2, 3, 4 काउंटिंग नंबर ही होगा। तो यही, इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड, कि क्या होगा ये पता है, ये इसमें होगा और ये इसमें नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सुपरिभाषित होना। एन, एन के बाद दूसरा क्या होता है? डब्लू, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि इसमें 0 आ जाता है, 0, 1, 2, 3 से लेकर के ये जाता है इन्फिनिटी तक। इसको बोलते हैं होल नंबर, बोलते हैं ना। होल नंबर के बाद क्या आता है? इसको बोलते हैं जेड, जेड या आई। इसको सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक का सेट होता है ये। तो पूर्णांक के सेट में क्या होगा? 0 भी होगा, +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, +3 भी होगा, -3 भी होगा। प्लस की संख्याएं भी होगी, माइनस की संख्याएं भी होगी, साथ में 0 भी होगा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका हम लोग क्लासिफिकेशन अगर करें तो चार तरह इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला होता है जेड प्लस। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक हम इसको बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक में कौन आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के आगे तक। इसमें 0 नहीं आता है। पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आता है। जेड प्लस में 0 नहीं आएगा। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है 1 से लेकर के आगे हैं, ये तो पीछे भी पड़े हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जेड प्लस जो होता है और एन जो होता है वो दोनों एक ही चीज़ होता है। जेड प्लस और एन दोनों एक ही चीज़ होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो इसका होता है उसको बोलते हैं जेड माइनस। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का क्या मतलब हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा? -1, -2, -3 से लेकर के निगेटिव की जितनी संख्याएं सब इसमें आएगी। इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। अगला अगर देखें जेड प्लस नॉट, इसको बोलते हैं, यानी कि इसमें 0 आ जाता है, 0 आ जाता है इसमें। बाकी जितना भी आप यहाँ देखे थे सब रहता ही है, लेकिन 0 भी आता है, नेगेटिव की संख्या इसमें नहीं रहती है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? नॉन नेगेटिव। नॉन मतलब हो गया नहीं, नॉन मीन्स नहीं, मतलब जो नेगेटिव नहीं हो। तो बिना नेगेटिव का संख्या इसमें बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हिंदी में और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक। और इसी तरह से एक इसका अगला होता है, इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसका यूज़ कम होता है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा? 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। इस तरह से जितनी भी नेगेटिव की संख्या है वो भी रहेगा और साथ में 0 भी रहेगा। इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको नोट करिए। अगला अगर देखें इसको बोलते हैं क्यू। इसको बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या इसको बोलते हैं। इसमें पी बाय क्यू के फॉर्म की संख्याएं होता है, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर होता है, लेकिन नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि 0
तो नीचे में नहीं कुछ तो वन, हम लोग वन पढ़े हैं नीचे में नहीं कुछ तो वन, हम लोगों ने टू पढ़ा है नीचे में नहीं कुछ तो वन। मतलब अभी तक जितनी भी संख्याएं आप पढ़े हैं चाहे पॉजिटिव में हो निगेटिव में हो सबके नीचे में वन है, इसलिए वो सब रेशनल है। लेकिन जो एग्जैक्ट रेशनल है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी हम लोग जानते हैं, जैसे 1/2, 3/7, तो ये सब जितनी संख्याएं हैं जो कि बटा के रूप में लिखा होता है वो भी इसमें रहेगा, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल। इसके बाद क्या होता है, क्यू पे पावर सी देते हैं, इसको पढ़ेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक, इसको पढ़ना कैसे है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। कैसे पढ़ेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, और पूरक का मतलब समझिए कि छोड़ करके, अगर इस क्यू को छोड़ दें तो कौन बचेगा। तो इसके बारे में कहा जाता है क्यू कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि वैसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं हो, है ना। जितने भी प्राइम नंबर का रूट होता है, जैसे √2, √3, पाई के बारे में पढ़े हैं, नहीं पढ़े थे, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो वो पाई भी रेशनल होता है। पाई का वैल्यू 3.1 जानते हैं, 1/4 होता है। इसके बाद एक ई होता है, इस यू को यूलर्स नंबर बोलते हैं। पाई का वैल्यू जैसे कि आपको 3.14 होता है, वैसे ही ई का वैल्यू 2.718 होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये सब जितनी भी संख्याएं होता है उस सबको हम लोग क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यानी कि ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का सेट हुआ। और जब दोनों को मिला देते हैं तो वो बनता है आर, आर को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या आर में ये ध्यान रखना है, इसमें क्यू भी होगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी होगा, क्यू भी होगा और यानी कि परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। तो शुद्ध रूप में क्या होता है, प्लस नहीं लिखना चाहिए, प्लस को हम लोग यूनियन देकर के लिखना चाहिए, और यूनियन भी सेट्स का ही लिखने का तरीका होता है, उसका मतलब होता है मिला के लिखना। इसको सही तरह से अगर लिखना चाहिएगा, इसको लिखना चाहिए था क्यू बीच में ऐसे यू दे करके, तब इसको लिखना चाहिए था। ये यू का मतलब होता है यूनियन, ठीक है ना, और यूनियन जो होता है प्लस के लिए इस्तेमाल होता है। यूनियन मतलब क्या हो गया, प्लस के लिए यूज होना करते हैं इसको, प्लस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात पकड़ में आ गया ना, इसको पढ़ना कैसे है, यूनियन मतलब हो गया मिलाना। नोट करिए, और इसी के बाद आपको एक सेट पढ़ना है जिसको बोलते हैं सी। सी किसको बोलते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो संख्याएं होती है वो ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा होता है, जहाँ ए और बी रियल नंबर में बिलोंग करता है, ए और बी, और ये जो आई होता है ये आई माइनस वन का स्क्वायर रूट होता है। बात समझ रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। इस पर एक चैप्टर आप लोग को दिया हुआ है 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो इसमें ये ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहे हैं, ये आई जो होता है इसको आयोटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको, इसको आयोटा पढ़ना है आई को। तो ये जो आयोटा होता है वो माइनस वन का स्क्वायर रूट होता है। नेगेटिव का स्क्वायर रूट आप लोग नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े थे, बोलते थे कि अवास्तविक होता है, उसी अवास्तविक को यहाँ पर जो है एक मान करके एक नया ब्रांच बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना, आई माइनस वन का स्क्वायर रूट होता है, जब स्क्वायर रूट को इधर लाएंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, कितना होगा माइनस वन, समझ रहे हैं ना। ये दो चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, अब माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बोलिए 2 आयोटा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, अब माइनस 1 का स्क्वायर रूट आई। तो अब से ये चीज़ यूज़ करना है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लीजिए 2 प्लस 3 आई है, ये 5 माइनस 7 आई है,
इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब संख्या क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलेंगे। जैसे आई नजर आ गया, आई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आई मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां तक हम लोग को नंबर सिस्टम में पढ़ना है। अब इसी के आधार पर क्या होता है, आपको क्वेश्चन देता है बनाने के लिए, इनक्वालिटीज में कैसे देता है सो देखिए। क्वेश्चन हम एग्जाम्पल अगर लें, कि इफ एक्स बिलोंग टू एन, इफ एक्स बिलोंग टू एन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन एक्स प्लस टेन, ठीक है ना। इनक्वालिटीज क्या दे दिया है, थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन एक्स प्लस टेन, ये असमिका दे दिया है और इसको बोल रहा है सॉल्व करें, है ना। सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है कैसे, इसके आधार पर ऊपर में जो दिया हुआ है उसका आधार क्या है कि एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक्स को इधर लाएंगे तो थ्री एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन टेन माइनस टू होगा। एक्स को इधर लाए, टू को उधर ले गए, थ्री एक्स माइनस एक्स क्या होगा, टू एक्स होगा और ये घट जाएगा तो एट हो जाएगा। तो एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, टू को उधर ले जाएंगे। तो अब बोलिए टू पॉजिटिव कि नेगेटिव, टू पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव संख्या को उधर ले जाएंगे तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव संख्या ले जाते तब इफेक्ट पड़ता। तो ये जो टू को उधर ले जाएंगे तो ये साइन मेंटेन रह जाएगा, तो ये हो जाएगा एट बाई टू, यानी एक्स ग्रेटर देन हो गया फोर, क्या हो गया एक्स ग्रेटर देन हो गया चार से। तो आपको यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है, आंसर में क्या बोल रहा है, एक्स नेचुरल नंबर है और नेचुरल स्टार्ट कहाँ से होता है, वन से। आपको वो स्टार्ट होता है वन से, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चार से। तो चार से बड़ी संख्या कौन, पाँच, तो पाँच से स्टार्ट होगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बिलोंग करेगा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि चार से बड़ा है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, इसलिए चार से बड़ा संख्या पाँच से स्टार्ट मारेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पकड़ माया। अब एन क्या है उसके बारे में आपको पता रहेगा तब तो आप ऐसा काम करेंगे। तो एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मीन्स नेचुरल नंबर, नोट कर लीजिए। केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 13.1 में जो ये पहला अगर क्वेश्चन देखें कि 2 माइनस थ्री एक्स लेस देन 5 माइनस फोर एक्स बोल रहा है, इसे सॉल्व करें, जबकि x जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उसका काम बाद में करेंगे, पहले यहाँ इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेते हैं। तो माइनस फोर एक्स को इधर लाएंगे, प्लस फोर एक्स, ये माइनस थ्री एक्स है ही, ये 5 है और ये प्लस टू उधर जाएगा, माइनस टू होगा। 2 को उधर ले गए माइनस टू, फोर एक्स को इधर लाए, माइनस से प्लस हो गया, तो फोर एक्स माइनस थ्री एक्स कितना होगा x, और ये 5 माइनस टू ये हो गया 3, यानी x लेस देन 3 हो गया। लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बिलोंग कर रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर में। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में आपको बताए हैं, मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक, कहाँ से स्टार्ट मारेगा ये, ज़ीरो से। इसमें ज़ीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, से लेकर के कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसमें तीन से छोटी संख्या कौन सब है, तीन से छोटा तो टू होगा, वन होगा और ज़ीरो होगा। लिखेंगे हैंस हियर एक्स बिलोंग करेगा ज़ीरो वन और टू में, तो यही आपको फाइनल आंसर हो गया। अगर कहेगा इसे नंबर लाइन पर शो करें, तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, इस पर आपको ज़ीरो लिखना है, ज़ीरो के बाद वन लिखना है और वन के बाद टू, मतलब जितना संख्या आपको मिला है उतना ही संख्या इस पर रिप्रेजेंट करना, बाकी को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया सेट में रिप्रेजेंटेशन, बात पकड़ में आया, नोट करिए इसे। आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर एक से लेकर के चार तक केवल बनाना है, 1-4। ये आप लोग का होमवर्क रहा। तब फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इंटरवल्स के बारे में बताएंगे और फिर इससे जो बचा हुआ क्वेश्चन है फिर उसको देखेंगे। हमें आशा है कि आप लोग मन लगा करके पढ़ते होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।